नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नागपुर के सावनेर में कब पूरी होगी माता रानी के भक्तों की पुकार। न्याय के लिए दर दर भटकते माता रानी के भक्त। सावनेर भक्तों के मन को एक चीज काफी वर्षों से कुरीद रही है, वह जय माता दी दुर्गा मंदिर परिसर में रोजाना सजने वाले चिकन व मछली बाजार। भक्तों के अनेक वर्षों की मांग की अनदेखी करता नगर प्रशासन। इस मछली व चिकन मार्केट को हटाने की मांग क्षेत्र में रह रहे नागरिक एवं भक्तगण पिछले करीब 2 दशकों से करते आ रहे हैं। नगर पालिका, तहसील, उपविभागीय कार्यालय, जिला कार्यालय, नगराध्यक्ष, नगर सेवक, राजनेता, विधायक, सांसद, नगर रचनाकार, राज्य सरकार, उपायुक्त कार्यालय, ऐसा कोई दर नहीं झूठा जहां माता भक्तों ने गुहार ना लगाई हो, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही नजर आता है। बता दें कि नगर प्रशासन द्वारा इस मछली तथा चिकन बाजार को अन्यत्र हटाने हेतु कलमेश्वर काटोल रोड पर बड़ी पुलिया के करीब इन व्यवसायियों के लिए पक्के कमरे बनवाकर उनसे स्थानांतरण की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली, लेकिन एंड वक्त पर करीब 20 लाख रुपए की लागत से बना ये मार्केट पिछले करीब 25 वर्षों से चली आ रही इस मांग की और नगर प्रशासन कब मांग पूरी करेगा। सावनेर संवाददाता मुकेश झरबड़े की रिपोर्ट।